वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट शो गाइस, मेरा नाम है मेघा और आज एक और नए वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फैंटेसी क्रिकेट की टीम आप कैसे बना सकते हो। आज है मुकाबला चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का। दोनों ही टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और देखा जाए तो चेन्नई और हैदराबाद दोनों ही लास्ट और सेकेंड लास्ट ऑर्डर में है पॉइंट्स टेबल में। जहाँ हैदराबाद की बात करें, ये सिर्फ चेन्नई से एक पॉइंट ऊपर है क्योंकि इनका रन रेट काफी अच्छा है। अगर ओवरऑल बात करें हेड टू हेड मुकाबले में, चेन्नई ने हैदराबाद को ज्यादा बार डोमिनेट किया है, लेकिन अब की बार हैदराबाद की फॉर्म चेन्नई से कुछ ज्यादा है। लेकिन आज के मैच में चेन्नई के प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे या हैदराबाद के, ये आपको पता चलेगा पिच रिपोर्ट जानने के बाद। बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। जी हाँ, आज का मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और ये वही पिच है जहां पर बैट्समैन को काफी अच्छी असिस्टेंस मिलती है और वो काफी लंबा स्कोर खड़ा कर सकता है। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करें तो राशिद खान काफी खुश होंगे क्योंकि ये पिच स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मदद देती है। अगर लास्ट मैच की बात करें तो यहाँ पर मैच हुआ था कोलकाता का, जिन्होंने 174 का स्कोर सेट किया था। और वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें तो उनके अगेंस्ट उन्होंने स्कोर बनाया था सिर्फ 137। तो ये थी पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में चेंजेस के बारे में। अगर चेंजेस की बात की जाए तो हैदराबाद की टीम काफी ज्यादा सेट है, खासकर केन विलियमसन के आने के बाद से। वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो मुरली विजय को रिप्लेस कर सकते हैं अंबाती रायडू। फैंटेसी क्रिकेट में टीम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं की प्लेयर्स, तो चलिए बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। विकेट कीपर्स में अगर नाम ले तो आते हैं एमएस धोनी, टीम के कप्तान हैं ये और आज हम इनसे कुछ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। वहीं बैट्समैन की बात करें तो केन विलियमसन काफी अच्छी फॉर्म में हैं। अपने पहले ही मैच में दिल्ली के अगेंस्ट इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वहीं पे अंबाती रायडू रिकवर होकर आ रहे हैं और मुंबई के खिलाफ अपने पहले मैच में ही काफी अच्छा स्कोर बनाया था। ऑलराउंडर की बात करें तो सैम करन बल्ला भी घुमा सकते हैं और गेंदों से विकेट भी ले सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी देखने लायक होती है। अब बात करें अगर बॉलर्स की तो दीपक चहर और राशिद खान दोनों ही स्पिनर्स हैं और आज की पिच क्योंकि स्पिनर्स को काफी हद तक असिस्ट करेगी, इनकी परफॉर्मेंस भी देखने लायक होगी। अब बात करते हैं प्लेयर्स टू अवॉइड के बारे में। अपनी क्रिकेट की फैंटेसी टीम बनाते वक्त कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है मुरली विजय का। इन्हें बैटिंग का मौका तो मिला लेकिन चेन्नई के लिए इन्होंने कुछ खास स्कोर नहीं बनाया था। अगला नाम आता है प्रियम गर्ग का। पहले दो मैचेस में इनको मौका नहीं मिला और तीसरे मैच में भी इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। वहीं अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर भी ये एवरेज प्लेयर ही थे। अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी टीम में कौन से प्लेयर्स लिए हैं और क्यों लिए हैं। विकेट कीपिंग में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है जॉनी बेस्टो का। हैदराबाद की टीम से काफी अच्छे ओपनिंग प्लेयर हैं ये। अगर इनके लास्ट के तीन मैचेस की बात करूं तो 119 का स्कोर इन्होंने बनाया है जिसमें दो हाफ सेंचुरीज शामिल हैं और अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो है 117.82। अब बात करते हैं बैट्समैन की और उसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड वार्नर का। हैदराबाद की टीम के ये कप्तान हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं और अगर चेन्नई के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो अपने 14 मैचेस में इन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। इसका मतलब चेन्नई का बॉलिंग अटैक इनको काफी पसंद आता है। अगला नाम आता है मनीष पांडे का। टॉप ऑर्डर के मैच्योर बैट्समैन हैं ये और इन्होंने अपने लास्ट के तीन मैचेस में एक हाफ सेंचुरी बनाई है और साथ ही साथ 88 का स्कोर बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं 2019 के T20 सीरीज की, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। अगला नाम आता है केम विलियमसन का। पहले दो मैचेस में ये अवेलेबल नहीं थे लेकिन तीसरे मैच में दिल्ली के अगेंस्ट इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और साथ ही साथ इनका स्ट्राइक रेट रहा था 157.69। अगला नाम आता है अंबाती रायडू का। पहले मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने मुंबई के अगेंस्ट और अपनी टीम को मैच भी जिताया था, हालांकि उसके बाद ये थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। अब रिकवरी करके वापस आ रहे हैं और हम इनसे वैसी ही अच्छी इनिंग्स की उम्मीद रखते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की और ऑलराउंडर्स में जो सबसे फेवरेट नाम है वो है सैम करन। ये चेन्नई का एक तेज तरार हथियार है, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर लास्ट के तीन मैचेस की बात करूं तो 5 विकेटें इन्होंने ली हैं और इकोनॉमी रेट रहा है 7.33। अब बात करते हैं बॉलर्स की और उसमें सबसे पहला नाम आता है टी नटराजन का।
हैदराबाद के साथ इनका ये पहला सीजन है, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बात करें अगर इनके लास्ट मैच की तो इन्होंने 3 बड़ी विकेट्स ली हैं। नीतीश राणा, विराट कोहली और मार्कस स्टोइनिस की विकेट्स ली हैं इन्होंने अपने लास्ट के 3 मैचेस में। अगला नाम आता है राशिद खान का। ये एक विकेट टेकिंग लेग स्पिनर बॉलर है। अगर दिल्ली के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 बड़ी विकेट्स ली थी, जो थी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शिखर धवन की। ऑपोजिशन के लिए ये एक मेजर खतरा है। अगला नाम है पीयूष चावला का। चेन्नई की टीम से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं ये, और इन्होंने अपने लास्ट के 3 मैचेस में 4 विकेट्स ली हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया था शिखर धवन को दिल्ली के अगेंस्ट। अगला नाम आता है दीपक चहर का। अपनी टीम के काफी ज्यादा दमदार बॉलर हैं ये, और अगर इनकी 2019 की परफॉर्मेंस की बात करें तो 12 मैचेस में 22 विकेट्स इन्होंने ली थी, और इस सीजन में भी इनका इकोनॉमी रेट है 8.41 इन जस्ट 3 मैचेस। तो गाइज, आज की फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने के लिए मैंने आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बता दी हैं। उम्मीद है आपको ये ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अब आप एक काम कीजिए, फटाफट से विजिट कीजिए www.sportyjackpot.com पर। वहां से हमारी आपको डाउनलोड कीजिए, टीम बनाइए और जीतिए ढेरों रिवॉर्ड्स। इसी के साथ साथ लाइव मैच के दौरान हमारी प्रिडिक्शंस की कुछ गेम्स चलती हैं, जहां पर बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको अंदाजा लगाना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही निकली तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे जिनको आप रिडीम करवा सकते हैं मर्चेंडाइज एंड गुडीज में। तो फटाफट से आप ये काम कीजिए। तब तक मैं आपसे मिलूंगी अगले मैच में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।